नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो वनस्पति का परिचय कराने वाले हैं, वो अति दुर्लभ और चमत्कारी औषधीय गुण रखती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास है जो आपको हमेशा काम आएगी। अभी जो आप वनस्पति देख रहे हैं, यह है बड़ी कटेरी और यह बहुत ही कम दिखाई देती है। कारण यह है कि लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वनस्पतियों को नष्ट करते जा रहे हैं। उनको उखाड़ तो लेते हैं लेकिन उनका रोपण करना नहीं चाहते, इसलिए हमारे भारत की वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। हमें इनकी रक्षा करना है एवं इनका रोपण करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ ले सके। इसके लिए हमें सभी लोगों को जागरूक करना होगा। दोस्तों, बड़ी कटेरी की कई भेद हैं। यह सफेद फूल और नीले फूल वाली भी देखी जाती है, लेकिन जो नीले फूल वाली है यह अधिक गुणकारी मानी गई है। जो आप देख रहे हैं यह नीले फूल वाली है। इसके इस प्रकार के पत्ते होते हैं जो बैगन के पत्तों की तरह दिखते हैं और इसकी जो फल हैं ये बिल्कुल पीले होते हैं, जिनका आकार छोटे छोटे बैगन की तरह होता है। तो दोस्तों, बड़ी कटेरी को और भी कई नामों से जाना पहचाना जाता है, जैसे संस्कृत में इसको महती, बृहती, भंटा की, बनव्रत की, कांता, रक्तपाकी, हिंदी में इसको बनभटा, बड़ी कटाई, बड़ी कटेरी, उर्दू में इसको जंगली बैगन, उड़िया में बोनो बृहती, कन्नड़ में कीरीगुला, गुजराती में उभी रिंगणी, बंगाली में ब्याकफड़ और नेपाली में बिही आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम एंगूबी। यह अपने साथ कई औषधीय गुण रखती है। आयुर्वेदिक मतानुसार बड़ी कटेरी उष्ण, मधुर, तीक्त, कटु, रूक्ष, कफवात शामक, ग्राही, पाचक, दीपक, रुचिकारक, पित्तकारक, कंठय, शोधहर, बलकारक, अरोचक, कुष्ठ, ज्वार, श्वास, शूल, कास, अग्निमात, बात रोग, शोध, गुल्म, मेदो रोग, सिरसूल, हृदय रोग, बमन, कृमि रोग, नेत्र रोग, कांडू, मूत्रकुच तथा आमदोष नाशक है। इसके फल कटु, तीक्ष, लघु तथा कफबात शामक है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग, जिनका इस्तेमाल करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। गंजापन दूर करने में इस औषधि का कई जगह उल्लेख मिलता है, तो हम आपको दो प्रयोग बताने वाले हैं जिनके द्वारा आप अपना गंजापन या फिर एलोपेसिया की समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप बड़ी कटेरी के स्वरस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर जहां पर बाल उड़ गए हैं वहां पर लेप करते हैं, तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से वहां पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग है, बड़ी कटेरी के फल का बारीक चूर्ण बना लें और उसमें अरंडी का तेल और शहद मिलाकर लेप तैयार करें। उस लेप को अपने सिर पर 1 से 2 घंटे के लिए लगा रहने दें और उसको कुछ समय बाद गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा कुछ दिन तक प्रयोग करने से एलोपेसिया जैसी समस्या बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है और इससे गंजापन भी मिटता है। इसका अभी तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है। इसके बाद इसके अन्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कान में यदि कीड़े हैं या फंगस लग गई है जिसके कारण काफ़ी दर्द हो रहा है, तो उस समय आप बड़ी कटेरी के फलों को सुखाकर आग पर जलाएं और जो धुआं है उसको कान में जाने दें। धुआं कान में जाते ही कान के कीड़े मर जाते हैं। यह पथरी रोग में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए आप गोछुड़ की जड़, ताल मखाना की जड़, अरंडी की जड़ तथा छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी की जड़ समान मात्रा में मिलाकर दूध में पीसकर कल्प बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा 7-8 दिन तक सुबह सुबह सेवन करते हैं तो पथरी पूरी तरह ठीक हो जाती है। यदि बहुत पुराना बुखार है जो उतर नहीं रहा है या किसी भी प्रकार का बुखार है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके लिए आप बड़ी कटेरी के फल, पटोल के पत्ते, हरंड, बहेड़ा, आंवला, हल्दी, मोथा, कुटकी, नींब की छाल तथा देवदारू, इन सबको समान मात्रा में लेकर क्वाथ बना लें और उस क्वाथ को 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन कराने से बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आप इस कटेरी के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भारत की वनस्पतियों की जानकारी सभी तक पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सके। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की स्वास्थ्य वर्धक और ज्ञान वर्धक वीडियो आती हैं जो आपके लिए बहुत ही काम की हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जड़ी बूटी के साथ। नमस्कार।